Wake up, baby. Wake up. Jangan terkejut. Wake up, gudu utu deo. Utu deo. Kita di mama baca utu deo. Wake up, baby. Wake up. Mama, utu deo. Utu deo, mama. Oh, baba. Utu deo, mom. Wake up. Dudu utu deo. It's good. Who are you, baby? My baby? What to do, mama? What to do, mama? What to do, mama? और एक ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं आ गई. और लीजिए कि सिंपल लाइफ में आप सभी को स्वागत है. लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक के साथ ज़रूर. और ये मेरी ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट के बाद सीधा मिले 5:30 से मिली. हस्बैंड आ गया जल्दी जल्दी और रास्ते से चावल लेके आ गया था. घर में सब सामान ख़त्म हो गया था. और आते बाप और बेटी इधर पढ़ाई पे. बाप पढ़ाई पे, बेटी नौटंकी पे. और आज हर्षिता ने क्या किया बताते हूँ. मोबाइल को मतलब उसको कार्टून दिखना था, खींच रहा था. पता नहीं क्या हो गया, क्या किया, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था. पता नहीं क्या होगा, अब देखते जाए. सब ठीक था. लोगों का ब्लॉग देखते देखते मेरा खुद का ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला. फिर तो हम लोग खाना बना खा के सो गए थे. और हर्षिता के पापा जल्दी जल्दी आ गए. आने के बाद मतलब पानी वानी दिया हर्षिता को. उसके बाद मैं मोबाइल में ना थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग देखना चाह रही थी. और एक मोबाइल में मतलब ब्लॉग देख रही थी. और आज क्या हुआ ना, हर्षिता को मैं जब भी मोबाइल देखती हूँ ना, वो खींचने लगता है. ये मोबाइल ही खींच खींच के उसको क्या चाहिए, हाँ कार्टून चाहिए. बोल रहा था छोटा भीम चाहिए, छोटा भीम चाहिए. तो मोबाइल ना छीन रही थी तो मैंने फेंक दिया गुस्से के मारे. दोनों मोबाइल फेंक दिया था. तो ये मोबाइल तो ठीक है, लेकिन ये मोबाइल ना ऑन नहीं हो रहा है. बहुत टाइम से कोशिश किया था. अभी ये मोबाइल ना बहुत दिन मतलब खटा रही है, चल ही नहीं रहा था. 2000 करके दो तीन बार मैंने इसको ठीक किया है. अभी अगर फिर से, मुझे नहीं लगता फिर से गुस्सा आ रहा है. क्या करूँ क्या नहीं करूँ. अभी नीचे जाएंगे शॉपिंग. कुछ भी नहीं है, दिखाती हूँ आप लोगों को. ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है. देखते हो, ख़रीदना तो पड़ेगा ही. और कल भी बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा. कुछ भी सामान नहीं है घर में. तो देखते क्या होता है क्या नहीं होता है. मोबाइल का पता नहीं यार, दिखाना पड़ेगा शायद. एक मोबाइल से हैंडल नहीं होता है. सारे लोगों का, इतने सारे लोगों का ब्लॉग देखना रहता है. और दोनों मोबाइल से ही मतलब नहीं हैंडल कर पाते, तो एक मोबाइल से कैसे हैंडल कर पाऊँगी. और क्या है ना, और बहुत सारे हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब एक दूसरे को हम साथ लेके ही चल रहे हैं. तो नोटिफिकेशन आते जाना पड़ता है सब लोगों को. अगर मैं चाहती हूँ तो मेरा ब्लॉग देखे, तो उन लोगों का भी सेम ब्लॉग देखना पड़ता है. तो ज़्यादातर इसी मोबाइल में वो सब करती हूँ. और जो मोबाइल में, इस मोबाइल में ब्लॉग बनाती हूँ, इस मोबाइल में भी मेरा चैनल ऑन मतलब दोनों मोबाइल से ही मतलब लोगों का ब्लॉग देखती हूँ. सो प्रॉब्लम हो जाता है एक मोबाइल में. आप खुद ही सोचिए कैसे हैंडल कर पाएंगे ब्लॉग. एक मोबाइल में ब्लॉग बनाना, ब्लॉग एडिट करना, बाकी लोगों का ब्लॉग देखना, पागल हो जाऊँगी मैं. पता नहीं मोबाइल का क्या हो रहा. मैं कब से दोनों मतलब इस तरीके से ना करने से ठीक हो जाता है. 15 मिनट तक रखने से मेरा हाथ पेन कर रहा है, नहीं हो रहा है. हस्बैंड बोल रहा था कि चार्ज में रख के देख लीजिए. चार्ज में भी रखिए, देख लिया. पता नहीं क्या होगा, टेंशन हो रहा है कहीं फिर से सुना ना लग से. देखते क्या होता है क्या नहीं होता है. चलो, घर में सारा सामान, मास्टर ऑयल, रिफाइंड ऑयल. आज तो रात के खाने के लिए भी ऑयल नहीं है, थोड़ा सा दाल है आज बनाऊंगी. और कल तो सुबह उठ के दाल चाहिए, चीनी चाहिए, मेरा ब्रेकफास्ट का ये कुछ भी नहीं है. सब ख़त्म हो गया है घर का सामान. तो लेने नीचे जाएंगे तो जल्दी जल्दी मैंने एक साइड पे चाय, एक साइड पे ऐसे तक ले दूध. और ये बनाया चाय.
दाल सॉरी हर्षिता के लिए खिचड़ी दाल ये सब रेडी किया, और हमारे लिए चावल रेडी करके जा रहे हो, आने के बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा। जाओ। हेमले नहीं है। बाप रेडी हो गया है, पानी बोतल पानी दो बोतल पानी भी खत्म हो गया था। मामा आ रही है, तो चलो मैं जल्दी जल्दी रेडी होके आप लोगों के साथ मिलती हूँ मार्केट में। हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हो ना हर्षिता का शैतानी, उसको इतनी ठंड में आइसक्रीम खाना है। अभी मैं क्या बोलूं, बोलूंगी तो लोग बोलेंगे डांटते हो, ठंड में कौन खाता है, उसको वही याद है चॉकलेट ना खाएंगे ना चिप्स खाएंगे, उसको वही शैतानी आजकल ना उसको ज़्यादा हद से बढ़ गया है। हर्षिता को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सामान वो पकड़ के आया है, और इधर अंडा लाई। और अभी हम लोग रात के लिए सिंपल से हर्षिता के पापा ने लेट खाना खाया तो बोल रहा था भूख नहीं है, इसलिए हमने बाहर भी आइसक्रीम नहीं खाया। हर्षिता अकेले खाने की जिद कर रहे थे तो लेना ही पड़ा। और प्याज छोटा छोटा करके और एक टोमेटो दिया मैंने छोटा छोटा चॉप करके, एक मिर्ची के साथ दिया, एक साथ ही दिया नमक और हल्दी के साथ, हल्दी में बाद में दिया, अभी बता रही हूँ आपको। देखिए मतलब ढक के मतलब आराम आराम से पूरा, मतलब जब तक मसाला गल ना जाए आपको पता चले जाएगा जब टोमेटो और प्याज फ्राई हो जाएगा आराम से। उसके बाद अब दो अंडा देखे मैंने, दो अंडा दिया मतलब हर्षिता के पापा के लिए, मैं ये नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, मैं रात को इतना ऑयल नहीं खाऊंगी। मैं फिर भी जितना हो सका कम तेल में बनाने की कोशिश किया, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो कम तेल लगता ही है। लास्ट में मैंने धनिया पत्ता
डाल दिया। अंडा भुर्जी में धनिया पत्ता बहुत ही अच्छा लगता है। सो यही हमारे रात की हर्षिता के पापा के लिए, और मैं अपने लिए आमलेट बना लूँगी बहुत सारे मिर्ची के साथ कम तेल में। सो रेडी, गर्मा गर्म ऐसे अच्छा लगता है खाने में, आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्या कर रहे हो? रख दो सिंदूर, रख दो मम्मी के लिए सिंदूर रख दो। परसों बुधवार था, बुधवार को मैं शैम्पू नहीं करती। हर्षिता का जन्मवार होता है, मम्मी ने बोला बच्चे के जन्मवार पे शैम्पू मत करो, होता है ना छोटा मोटा, शैम्पू मत करो, नेल कट मत करो, वही तो सोचा था थर्सडे को करूँगी, थर्सडे भी नहीं हुआ। फ्राइडे भी आज करने सोचा था, आज भी नहीं हुआ था। तो ना बहुत इचिंग हो रहा है सर पे, तो बांधती हूँ ना हेयर, बांधने के बाद ना इचिंग होता है, अभी खोल के रखी ना तो इचिंग नहीं, थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। कल पक्का जल्दी जल्दी नहाऊँगी और शैम्पू मस्त शैम्पू करूँगी कल ज़्यादा पानी से। और मोबाइल कल बोला है कल देंगे, देखते क्या होता है, ठीक कर पाते या नहीं कर पाते हैं। एक मोबाइल से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आज ना, मैं बार बार मुझे इस मोबाइल को चार्ज देना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लॉग देखना पड़ता है, ब्लॉग बनाना पड़ता है, अभी एडिट करूँगी, टाइम ही नहीं मिलता है कब, मतलब सर्च टू सर्च ना दो, देखते हैं बाकी मोबाइल का जो हाल होगा या नहीं होगा वो आपको मैं कल बता पाऊँगी। आज तो कुछ नहीं, सिर्फ दुकान पे दे के आई हूँ, और पता नहीं एक मोबाइल से तो ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग जो जो करता है शायद उन लोगों को पता होगा, अगर दो मोबाइल हो तो कितना मतलब आसान हो जाता है इतने सारे लोगों का मतलब ब्लॉग वगैरह देखना, ऐसा नहीं होता है। और आज हर्षिता का भी मतलब मस्तियाँ ज़्यादा थी, और क्या बोलूँ, और सामान वगैरह ला के ऐसे ही रख दिया है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, और आज थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है, पता नहीं शायद उसकी वजह से भी। आईब्रो भी ना बहुत दिन से थ्रेडिंग नहीं किया, तो ये भी इचिंग कर रहा है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा, देखते हैं। तो आज इतना ही, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा जरूर कैसा लगा, अगर जो जो मेरे लिए न्यू हो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल और एक ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग देखने के लिए। ये पहले बोलना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गई, बट कोई बात नहीं, चलता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मोबाइल का नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा आपको मोबाइल का क्या हाल होगा, क्या हाल नहीं होगा।